तो दोस्तों हमारे पास अभी जो हमारे पास एक लैपटॉप है जो है डेल का वोस्ट्रो मॉडल जिसका नंबर है 2530 दोस्तों 2025 दोस्तों इसमें विंडो 8.1 प्रो है और इसके अंदर जो रैम है दोस्तों वो है हमारी 2GB और जो इसका प्रोसेसर है वो दोस्तों है हमारा इंटेल का कोर i3 ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख भी रखा है i3। लेकिन दोस्तों इसके अंदर स्पीड की बहुत ही ज़्यादा कमी है, अगर हम इसमें कुछ भी खोलने जाते हैं तो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा देता है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं हमने विंडो कब की ऑन कर रखी है अभी तक, लेकिन ये ऑन नहीं हुई। ये बहुत ही ज़्यादा बूट के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है और इसके अंदर अगर हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा लैग करती है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे भी कैसे जो है हमारी वीडियो हमारी जो है एप्लीकेशन इसके अंदर लैग हो रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पीसी को शट डाउन कर देना है। अभी हम इस पीसी को शट डाउन कर देते हैं। अब ये शट डाउन भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होगा। ये हमने जो है अपने पीसी को शट डाउन कमांड दे दी है लेकिन अभी ये शट डाउन नहीं हो रहा। शुक्र है दोस्तों हो गया। अभी इसमें भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। दोस्तों हमारा जो पीसी है वो टर्न ऑफ हो गया है, शट डाउन हो गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ। इसकी लाइट जो है अभी भी ब्लिंक ऑन है तो पूरी लाइट को ऑफ होने देते हैं। जैसे ही हमारी पूरी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी उसके बाद हम इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं केबल हमारे पास चार्जिंग की बची है, इसको भी हम निकाल देते हैं और हम इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे लॉक दे रखे हैं दोस्तों। ये हमारे पास जो है इसकी बैटरी बाहर आ गई। इसकी बैटरी निकालने के बाद दोस्तों तो इसको खोलने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड में लॉक है। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है और वोस्ट्रो मॉडल है दोस्तों, ये वोस्ट्रो मॉडल है हमारा। अगर आपका डेल का लैपटॉप है और वोस्ट्रो मॉडल है आपको यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर लॉक मिलेंगे जिसकी मदद से हम इसकी रैम को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉक है, हमने इसको पुश करना है। ये आगे की तरफ हमने इसको पुश कर दिया और उसके बाद ये देखिए हमारा कीबोर्ड जो है बाहर आ गया। इसी तरह से हमारे पास चार लॉक्स हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम उससे अगले वाले को अंदर की तरफ पुश करेंगे और ऐसे हमारा कीबोर्ड ऊपर आ जाएगा। और ये तीसरे वाले के साथ भी हमने ऐसे ही किया और चौथे वाले के साथ भी हमने ऐसे ही किया। उसके बाद हमारा कीबोर्ड जो है वो बाहर आ गया दोस्तों। यहाँ पे कीबोर्ड का जो है कनेक्टर लग रखा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। जो ये हमारे पास कीबोर्ड का कनेक्टर है इसको हमने ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो हमने इस पीसी को कुछ साफ भी करना है। इसका जो है हमारे प्रोसेसर पे जो थर्मल पेस्ट लगा होता है उसको भी हमने नया लगाना है। हमारा जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा सा हीट होता है तो हम पहले प्रोसेसर भी वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो स्क्रू है, हम इस लैपटॉप को पूरा ओपन करेंगे। हमारे पास जो दो स्क्रू थे हमने उनको खोल लिया है दोस्तों। अभी हमारे पास एक कनेक्टर है, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये हमारा दोस्तों ये टच पैड का है जो जिसको हम माउस भी बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक पावर बटन का, जो हमारा पावर बटन होता है यहाँ पे, इसका कनेक्टर है, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये हमारा पावर बटन का कनेक्टर भी खुल गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा जो है हम स्क्रू ड्राइवर या कोई भी तीखी चीज़ इसमें डाल के इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास नीचे भी स्क्रू हैं कुछ, उनको भी हमको ओपन करना पड़ेगा। जिसमें हमारे पास है हमने हार्ड डिस्क के स्क्रू नहीं खोले दोस्तों। ये दो हमारे पास जो है ये हार्ड डिस्क के स्क्रू हैं, इनको हमने ओपन नहीं करना, बाकी सभी को हम ओपन कर देते हैं। दोस्तों हमारे सभी के सभी स्क्रू ओपन हो गए हैं, हम इस स्क्रू को जो है निकाल लेते हैं।
हमारे जो दोस्तों सीपीयूज हैं वो निकल गए हैं, हम इसको सर्विस कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा कोई भी तीखी चीज़ इसमें के अंदर डालेंगे और ये हमारा आसानी से जो है बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हो, तो दोस्तों ये हमारा जो है पैनल बाहर आ गया है। इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी सीमस बैटरी है जिसके अंदर हमारा टाइम और कुछ इसकी जो है मेन फंक्शन जो है वो रहते हैं स्टोर। और ये हमारा प्रोसेसर है यहाँ पे, ये हमारा जीपीयू है और ये वाईफाई लैन जो है हमारा वाईफाई का जो है मॉड्यूल है। और उसके बाद ये हमारा हीट निकालने वाला फ़ैन है, यहाँ पे हार्ड ड्राइव है और जो है सी डी रोम है। तो दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेसर को ओपन करना है। इसके नीचे जो है दोस्तों थर्मल पेस्ट लगा होता है जिसको हमने दोबारा से अच्छे से लगाना है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है वो भी थोड़ा सा हीटअप हो रहा था, उसको हमने कम करने के लिए जो है इसके नीचे जो है हमने थर्मल पेस्ट लगाना है। इसके लिए हमने जो है यहाँ पे जो है हमारा जो कूलिंग फ़ैन है उसका कनेक्टर है उसको खोल लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है एलसीडी का कनेक्टर है उसको भी खोल लेना है, जिसके बाद हमारा जो है पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो सीपीयू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम लग रखा है, वो साइड में ज़्यादा फैल गया है। इसको हम सबसे पहले किसी क्लोथ की मदद से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है इसके अंदर नया पेस्ट लगाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास पेस्ट, थर्मल पेस्ट जिसको हम बोल देते हैं। इसको हमने सिर्फ पानी की बूंद के जितना हमारे प्रोसेसर पे लगाना है। ये हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया और थोड़ा सा हम इसमें भी डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा ही लगाना है दोस्तों, इसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये हमारे जो है प्रोसेसर के आसपास ज़्यादा फैल जाएगा और यहाँ पे कम रहेगा। और इसको हमने किसी भी चीज़ की मदद से थोड़ा सा फैला देना है। और उसके बाद हमने जो है इसके कूलर को रखना है, हमारा सीपी कूलर है। उसके बाद जो है दोस्तों हमने यहाँ पे जो इसके स्क्रू खोले थे उनको दोबारा से ऐसे ही कस देना है। इनको दोस्तों हमने अच्छे से टाइट करना है और ज़्यादा जोर भी नहीं डालना दोस्तों, क्योंकि ये हमारी जो है मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसकी इसको अगर हम ज़्यादा ही जोर लगा देंगे तो हमारा जो है मदरबोर्ड टूट सकता है। और हमने ज़्यादा इनको लूज़ भी नहीं रखना, इनको अपने मुताबिक अच्छे से कस देना है दोस्तों। ये हमने कस दिया है। और अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर अब भी क्या हमारे जो है सीपीयू की हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर दोबारा से आती है तो इसका मतलब आपका जो है कूलिंग जो है ये पूरा का पूरा चेंज होगा। तो दोस्तों अभी हम इसको सीपीयू को दोबारा से वैसे ही फिट कर देते हैं। ये रहा हमारा ऊपर का कवर दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इसके सारे स्क्रू वैसे ही लगा देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर रैम भी जो है इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये हमने स्क्रू इसके सारे लगा दिए हैं, नीचे के स्क्रू हमने लगा दिए हैं दोस्तों। अब हम इसके अंदर रैम इंस्टॉल कर देते हैं। हमारे पास जो है दो स्टिक्स हैं रैम की, जिसमें एक है हमारी 8 GB की और एक है हमारी 2 GB की। इन दोनों को हम फिट कर देते हैं और उसके बाद हम आपको चला के दिखाते हैं कि क्या हमारा जो है प्रोसेसर की हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। तो दोस्तों हम जो है नीचे के स्क्रू लगा रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर के लगा देंगे। ये दो स्क्रू है ये हमारे इस लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क के स्क्रू हैं दोस्तों। अगर आपने इनको गलती से खोल भी लिया है तो आपको इसको ओपन में ही लगाना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी हार्ड डिस्क होती है ये स्क्रू दोनों, इनको हमको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने हार्ड डिस्क को चेंज करना है तभी हम इसको खोलें, वरना इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दो स्क्रू को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बिना हमारा लैपटॉप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी 8 GB की रैम जिसको हमने इंस्टॉल करना है। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पकड़ना है। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास गैप है पीसी के अंदर, यहाँ रैम स्लॉट के अंदर भी एक गैप है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको कैमरा में दिख रहा हो, ये हमारे पास यहाँ पे गैप है। ये इसको हमने ऐसे लगाना है दोस्तों रैम को,
ऊपर की तरफ उठा के रखना है और इसको ऐसे प्रेस कर देना है, जो हमारे ये लॉक हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली हमारे रैम के अंदर फिट हो जाएंगे। दोस्तों रैम जो है हमारी सिर्फ 8 GB की इंस्टॉल हो गई है और उसके बाद हम कीबोर्ड को लगा देंगे। दोस्तों जो है यहाँ पे हमारा कीबोर्ड का कनेक्टर है, उसको हमने लगाना है इसके अंदर। दोस्तों इसको आप बिल्कुल आराम से लगाइएगा, ये हमने जो है इसको लॉक कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है हमारी बैटरी इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसको चला के देखेंगे। हमने इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल कर दी है और अभी हम अपने पीसी को ऑन करेंगे। ये हमारा पीसी ऑन हो गया है। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ये बूट टाइम में कितना टाइम लेता है। ये दोस्तों हमारा जो है पीसी स्टार्ट हो गया है, अभी हम इसके अंदर एंटर करते हैं और अभी हम इसके अंदर बेंचमार्क को रन करके देखेंगे और थोड़ी बहुत जो है हम इसके अंदर ऐप्स इंस्टॉल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा पीसी था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारा पीसी पूरा फास्ट तरीके से ओपन हो रहा है, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। अभी हम इसके अंदर बेंचमार्क जो है रन करके देखेंगे। ये हमारा नोवा प्रो है, नोवा बेंच है जिसको हम अभी रन कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारा जो है नोवा बेंच जो है हमारा ऑन हो गया है। अभी हम इसके अंदर स्टार्ट टेस्ट रन करते हैं। ये हमारा जो रन टेस्ट है वो रन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम अगर बाहर आके रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो आसानी से हो रहा है, और अगर हम यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लें साथ में तो देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों जो हमारा टास्क मैनेजर है वो भी ओपन हो गया है। यहाँ पे हमको 7.9 जो GB रैम जो है दिखा रहा है, जिसमें से सिर्फ 8.4 GB जो है यूज़ हो चुकी है। यहाँ पे जो है हमारा CPU का टेस्ट रन हो रहा है और अब हमारा जो है रैम का रन होने लगा है, जिसमें हमारी जो है रैम वो 1.8 यूज़ होनी स्टार्ट हो गई थी। और अभी हमारा जो है हार्ड डिस्क का जो है हमारा टेस्ट रन हो रहा है। दोस्तों अब की बार हम देखेंगे कि जो हमारा GPU का टेस्ट था वो रन होता है या नहीं। ये हमारा जो है अभी ग्राफिक कार्ड का टेस्ट रन होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम देखते हैं जो हमारी न्यू विंडो, ये दोस्तों देख सकते हैं आप हमारी जो है न्यू विंडो ओपन हो गई है। अभी देखते हैं ये प्ले होती है या नहीं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी जो विंडो है वो प्ले हो गई है। ये दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो है ग्राफिक वाला टेस्ट भी जो है वो अभी रन होना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो है अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर क्रोम खोलेंगे। ये हमारा क्रोम ओपन हो चुका है, इसको हम करते हैं मिनिमाइज और एक और क्रोम साथ में खोल लेते हैं। ये हमारे दो क्रोम खोल चुके हैं। हम पहले वाले में कुछ टास्क जो है रन करते हैं, देखते हैं कि रन होते हैं या नहीं। ये हमारा क्रोम ओपन हो गया, हम इसमें खोलते हैं यूट्यूब और इसमें रन करते हैं हम अपनी वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका बिजली ज्ञान चैनल पर। तो आज दोस्तों हमने जो है इसमें एक वीडियो प्ले कर दी है, जैसे कि हम ये हम अपने दूसरे क्रोम में भी जाकर एक और वीडियो रन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी यूट्यूब, ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि दोबारा से हमने दूसरे क्रोम में भी जो है अपनी एक और वीडियो रन कर दी है, जो कि अच्छे से हो रही है, जबकि हमारी पिछली बार जो है हमारे कंप्यूटर में नहीं हुई थी। ये हमारा जो है पिछला क्रोम देखते हैं, इसमें दोस्तों देख सकते हैं हमारी वीडियो रन हो रही है और अब हम इसमें एक दो टैब और ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास 3 से लेकर 4 टैब्स ओपन हो गए हैं। हम चारों में कुछ ना कुछ चला देते हैं। हम सर्च करते हैं बिजली क्या, और ये दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर भी जो है हमारा ओपन हो चुका है, और एक और के अंदर हम ओपन करते हैं। ये हमारा इसके अंदर भी ओपन हो चुका है,
और इसको हम इन दोनों को मिनिमाइज कर देते हैं और इसी को दोबारा से इसके अंदर खोल देते हैं और एक और खोलते हैं। दोस्तों ये दोस्तों थोड़ा सा लोड ले रहा है, जो ये हमारे नेटवर्क इशू के कारण है, क्योंकि हमारा नेट जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा, इसलिए हमारे पास जो है ये दोस्तों देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो है पीसी नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी हम इसके अंदर भी दो तीन टैब और खोल देते हैं। ये हमने इसके अंदर चार टैब और ओपन कर दिए हैं, अभी हमने इसके अंदर छः टैब ओपन कर दिए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, एक दो तीन चार और पाँच, पाँचों के पाँचों टैब जो है हमारे रन कर रहे हैं। और इसके बाद हम पिछले वाले में देखें तो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे भी रन कर रहे हैं, कोई भी पेज जो है रीलोड नहीं हो रहा। अभी हम इसके अंदर टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं और देखते हैं कितनी रैम हमारी यूज हो रही है। ये हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लाइन लिया, ये हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3 GB के करीब हमारी रैम यूज़ हो रही है और 9.9 जो है हमारे पास रैम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।